महेंद्र सिंह धोनी ने 5 बड़े खिलाड़ी खरीद कर बना ली आईपीएल की सबसे खतरनाक टीम। वो 5 खिलाड़ी कौन से हैं? और एमआई ने रोहित शर्मा को बाहर निकाल फेंका, हार्दिक पांड्या को एमआई का कप्तान बना दिया। तो रोहित शर्मा काफी ज्यादा भावुक हुए और वो भी चुप्पी साधे, उन्होंने भी कोई बड़ी बात नहीं की। आप सभी को बता दूं कि वही रोहित शर्मा जो एमआई की जान हुआ करता था, एमआई का सीनियर कप्तान रोहित शर्मा, जिन्होंने 5 ट्रॉफी एमआई को जीत कर दी। आखिरकार एमआई ने एक झटके में रोहित शर्मा को बाहर निकाल फेंका और हार्दिक पांड्या को एमआई का नया कप्तान चयन क्यों किया? क्या है पूरा मामला, आपको पूरी की पूरी जानकारी देने वाले हैं। और धोनी ने 5 बड़े खिलाड़ियों को खरीद कर आईपीएल की सबसे खतरनाक टीम घोषित कर लिया है। आप पूरी की पूरी आपको जानकारी देंगे कि 5 खिलाड़ी वो कौन कौन से हैं। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चेन्नई की 17 सदस्य नई टीम हुई तैयार, बड़े खिलाड़ी शामिल, 17 सदस्यों के नाम आप लोगों को बताने वाला हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखते रहिए। रोहित शर्मा काफी ज्यादा खास थे एमआई के लिए, लेकिन फिर एमआई ने रोहित शर्मा को क्यों बाहर निकाल दिया? आखिरकार क्या है पूरा मामला? जिस लड़के को, यानी कि जिस खिलाड़ी को, हार्दिक पांड्या को जो है रोहित शर्मा ने सिखाया, बल्लेबाजी सिखाई, सारे पैंतरे सिखाए, आखिरकार वही चेला चेला हो गया और गुरु गुरु रह गया। आखिरकार चेले ने गुरु को हटा करके अपनी जगह एमआई में कैसे बनाई? और मैं आपको बता दूं, रोहित शर्मा काफी ज्यादा भावुक हुए। रोहित शर्मा पर एक पहले से दुखा का पहाड़ वर्ल्ड कप का टूट पड़ा था, लेकिन दोबारा फिर वो जख्म भरा नहीं, दूसरा जख्म तैयार हो गया। एमआई ने रोहित शर्मा को निकाल फेंका और हार्दिक पांड्या को नया कप्तान चयन कर लिया। हार्दिक पांड्या के फैंस, रोहित शर्मा के फैंस काफी ज्यादा निराश हैं और वो यही कह रहे हैं कि एमआई का कप्तान रोहित शर्मा ही होना चाहिए, ना कि हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाकर अब एमआई खुद और हार्दिक पांड्या खुद पछता रहे हैं, क्योंकि एमआई से रोहित को जाने के बाद लाखों करोड़ों अरबों रुपए देने तक की यहाँ की टीम तैयार है कि रोहित शर्मा हमारी तरफ से, हम इतने करोड़ इतने अरब रुपए तक देने को तैयार है। आप सभी को बता दें कि रोहित शर्मा की, समझ लो कि लॉटरी ही लग गई है, क्योंकि रोहित शर्मा को काफी बड़े बड़े अन्य टीमें खरीदने के लिए उतावली हैं। हालांकि रोहित शर्मा लगता है कि अब हार्दिक पांड्या में नहीं, हार्दिक पांड्या के साथ नहीं खेलेंगे, हालांकि वो महेंद्र सिंह धोनी के साथ खेलने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन हार्दिक पांड्या के साथ खेलना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपने चेले के साथ कैसे खेल सकते हैं, सीनियर के साथ खेलना पसंद करेंगे, धोनी की कप्तानी में खेलना पसंद करेंगे। लाल, रोहित शर्मा के साथ काफी गलत हुआ है। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि हार्दिक पांड्या रोहित शर्मा में एमआई का कप्तान सही में किसको होना चाहिए था। आपको बता दूं कि यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी ने प्लेइंग 11 यानी कि आईपीएल टीम तैयार कर ली है 17 सदस्यों की, जहां पर काफी खुकार विस्फोटक बल्लेबाज भी हैं। सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज यही कह रहे हैं कि जहां एमआई जाएंगे, यानी कि जहां पर जो है रोहित शर्मा खेलेंगे जिस कप्तानी में, उन्हीं के अंडर में हम खेलेंगे, हार्दिक पांड्या के साथ खेलना हम भी पसंद नहीं करेंगे। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए, क्या सच में एमआई का कप्तान हार्दिक होना चाहिए रोहित, जानकारी आप लोग जरूर दीजिए। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।